एक मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसमें ये येलो बॉल के साथ आपने एक दो एक्सरसाइज बताई थी। हाँ। ये मैं जरूर चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ ये एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। तो अब इसके ऊपर मैंने काफी रिसर्च की हुई है, तो इसको 5-6 तरीके से हम यूज करते हैं और नॉर्मली डॉक्टर लोग जो है जो पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं उनको भी देते हैं कि आप इसको दबाते हो, इससे आपका नर्वस सिस्टम रिवाइव हो जाता है, पूरा शोल्डर्स की एक्टिविटी रिवाइव रहती है। तो इसके 5-6 तरीके हैं इस पे करने के। एक तो है पूरा का पूरा अंदर दबा के इसको चारों उंगलियों से दबाएंगे तो आपको पूरा का पूरा एक्यूप्रेशर सभी के ऊपर आएगा और साथ में नीचे सोल पे भी आएगा। और सिर्फ उंगलियों को स्ट्रांग बनाना है तो उंगलियों के साथ ऐसे दबाएंगे तो आपके सारे के सारे टिप्स, फिंगर ज्वाइंट्स और ये सब स्ट्रांग हो जाएंगे जी। इसी तरह इसको जो है आप नीचे लगा के इसको ऐसे पुश कर सकते हैं, उससे आपके जो है चारों पे चारों उंगलियां जो है उनमें स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसी तरह इसका किसी के पास थायराइड की प्रॉब्लम है तो यहाँ लगा के इसको प्रेस कर सकते हैं, उससे आपका थायराइड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी बिल्कुल। और हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है हार्ट के लिए वो हमारे आर्मपिट्स में होते हैं, तो आर्मपिट्स में इसको ऐसे प्रेस करने से आपकी लंग्स कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है और आपके जो है कोई भी हार्ट इश्यूज हो, ब्लॉकेजेस हो, वो सब सॉर्ट आउट हो जाते हैं। किसी को नी की प्रॉब्लम है तो नी के बीच में इसको जो है रख के कर सकते हैं, तो इससे आपके नीज स्ट्रेंथ हो जाते हैं। तो ऐसी 8-10 एक्सरसाइज की मैंने वीडियो बनाई हुई है जिससे आप ये येलो बॉल से जो है अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख देते हैं। और उसका एक कंडीशन है जो भी आप करते रहे साथ में।